सो गाइस, आप सभी को सबसे पहले इस बैकग्राउंड को डाउनलोड करना है। इसका जो लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। उसके बाद आप सभी को करना है कि आप लोगों को जाना ऐड फोटो में। ऐड फोटो में जाने के बाद गाइस, यहाँ से ऐड करना आप सभी को अपने मॉडल को, ठीक है। यहाँ पे मॉडल को आप देख लेना गाइस, जैसे आप सभी को फोटो क्लिक करना है। एंड इसका जो बैकग्राउंड है मैंने पहले से इरेज कर रखा था कि आपका जो है ज़्यादा टाइम वेस्ट ना हो, ठीक है। तो बाकी आप जल्दी से हम बताते हैं, मैं आपको बताता हूँ कि आपको करना क्या है, ठीक है। तो आपको जैसे आप यहाँ पे अपना मॉडल का रखोगे तो आपको मॉडल का जो साइज़ है वो थोड़ा बड़ा रखना है, क्योंकि गाइस जो मतलब कि आपको जो वोल्फ दिख रहा है जिसके यहाँ पे आपका जो फेस है थोड़ा बड़ा सा दिखना चाहिए, मतलब कि आप उसके पीछे बैठे हो, ठीक है, ऐसा दिखाने के लिए। फिर आपको ओपेसिटी कम करके चेक करना है कि वो अच्छे से एडजस्ट हुआ है कि नहीं हुआ। देन आपको क्या करना है, आपको जाना है सिंपली इरेज़र टूल में, ठीक है। एंड यहाँ पे गाइस क्या करना है मैं बता देता हूँ आपको। पहले यहाँ पे ओपेसिटी आप फुल रखना, आपको इरेज़र टूल में जाकर फिर आप उसको इन्वर्ट कर देना। फिर उसके बाद क्या करना है, आपसे भी ब्रश लेना है। एंड फिर उसके बाद आपको यहाँ पे ऐसे पेंट करना है, ठीक है। इससे क्या है कि ईजी हो जाएगा, मतलब कि आपको जो है जहाँ जहाँ पे आपको चाहिए होगा ना वहीं पर आप फिल करोगे तो ईजी हो जाएगा, ठीक है। तो इसको आपको फटाफट कर लेना है, ठीक है। तो मैं इसको पहले फटाफट करता हूँ यहाँ पे, मतलब कि मैं तो यहाँ पे थोड़ा तेज़ दिख रहा होगा आपको वीडियो में, क्योंकि कहीं यहाँ पर मैंने वीडियो को फास्ट कर रखा है, क्योंकि अगर मैं इसको वैसे सेम वीडियो में रखता तो वीडियो जो है काफ़ी लंबी हो जाती। तो मैं इसको फटाफट करता हूँ फिर बताता हूँ आपको आगे क्या करना है। इतना जाने के बाद गाइज आप लोगों को फिर क्या करना है, यहाँ पे गाइज आपको अपने मॉडल का एक डुप्लीकेट बनाना है एंड उसको सेम साइज में वैसे ही रख देना है। फिर उसके बाद आपको सिंपली चल जाना है इफेक्ट वाला ऑप्शन में। इफेक्ट वाला ऑप्शन में जाने के बाद आपको ब्लैक एंड व्हाइट लेना है एंड इसका अमाउंट जो है जीरो करके ब्लैक कर देना, एंड कर देना मर्ज। फिर नेगेटिव वाला लेना है, इसको भी मर देना मर्ज। फिर उसके बाद लेना आपको यहाँ पे कलराइज में ब्लू वाला एंड उसके बाद करना है डन। इतना कर देने के बाद आप लोगों को फिर करना है इरेजर टूल में जाना है, इसको इन्वर्ट करना है एंड जो या एक्स्ट्रा पार्ट आ जाएगा उन सबको इरेज कर देना है, ठीक है। यहाँ पे तो मैं साइज बढ़ा के इसको इरेज कर लेता हूँ। फिर आपको करना क्या है, यहाँ पे गाइस आपको सिंपली ब्रश में जाना है। ब्रश में जाने के बाद आपको साइज़ और अपने हिसाब से रखना है एंड ओपेसिटी हार्डनेस कम कर लेना है एंड उसके बाद साइड साइड में आपको इस तरीके से पेंट करना है, ठीक है। यानी कि एक रिम लाइट क्रिएट करनी है, जैसे ही गाइस आपने थंबनेल में देखा होगा पीछे से जो एक लाइट आ रही थी मॉडल के पीछे से, तो आपको वो चीज़ दिखानी है। तो यहाँ पे इतना कर देने के बाद आपको उसको ब्लेंडिंग मोड चेंज करना है। यहाँ पे गाइस आपको उसको रख देना ऐड, ठीक है। लाइटन भी रख सकते हो बट ऐड में थोड़ा सा ज़्यादा मतलब कि ब्राइट दिखेगा ये। तो अगर आपको ओपेसिटी कम लगे तो आप इसका एक डुप्लीकेट कर लेना है एंड अगर ओपेसिटी फिर ज़्यादा हो जाए तो थोड़ी सी यहाँ से कम कर लेना, ठीक है। फिर इतना हो जाने के बाद आप लोगों को फिर क्या करना है, यहाँ पे गाइस जैसे इतना हो जाएगा आपको तो आपको उसके बाद यहाँ पे जो आपको डन करना है फोटो को। फिर इसके बाद आपको जाना है ऐड फोटो में। ऐड फोटो में जाने के बाद गाइस यहाँ से ऐड करना है आपको एक आई का पीएनजी, ठीक है। इसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। तो ऐसे जो है गाइस एक आई को मैं रिमूव कर दूंगा, ठीक है। मेरे को एक ही का जरूरत है यहाँ पे, तो आप लोगों को दो मिल जाएंगे यहाँ पे, ठीक है। दोनों में से कोई भी यूज़ कर लेना, ठीक है। तो हम फटाफट क्या करेंगे, मैं अपने आई के पास इसको ले जाएंगे इस तरीके से एंड यहाँ पे हम इसको ऐड कर लेंगे, ठीक है। एंड बाकी जो भी एक्स्ट्रा पार्ट होगा उसको हम रिलीज कर लेंगे। तो पहले मैं इसको अच्छे से एडजस्ट कर लेता हूँ। इतना हो जाने के बाद गाइज आपको अपनी फोटो यहाँ पे सिंपली डन कर लेना है एंड इतना हो जाने के बाद आपको अपनी फोटो को यहाँ पे सेव कर लेना है, क्योंकि गाइज यहाँ से जो है हम कलर क्रिएशन करेंगे जो कि हम लाइट रूम ऐप में करेंगे एंड लाइट रूम ऐप में कलर क्रिएशन करके इसको और भी अमेजिंग बना देंगे। तो पे फोटो को हमने ऐड कर लिया, आप जाएंगे स्लाइड वाला ऑप्शन में। पहले हम इसका कॉन्ट्रास्ट बढ़ाएंगे, हाईलाइट्स को जो है यहाँ पे थोड़ा सा हम इंक्रीज कर देंगे एंड जो शेडो है इसको थोड़ा सा इंक्रीज कर देंगे एंड जो ब्लैक्स है इसको थोड़ा सा हम कम कर देंगे एंड जो वाइट है इसको बढ़ा देंगे एंड जाएंगे कलर्स वाले ऑप्शन में, वाइब्रेशन को बढ़ा देंगे एंड वाइब्रेशन को बढ़ाने के बाद टेम्परेचर थोड़ा माइनस कर देंगे एंड जाएंगे मिक्स में ऑरेंज कलर लेंगे, इसका ल्यूमिनस हम बढ़ा देंगे इस तरीके से एंड उसके बाद ब्लू कलर लेंगे, इसका जो ह्यू है हम इसको थोड़ा सा इंक्रीज़ कर देंगे, ल्यूमिनस को इंक्रीज़ कर देंगे एंड कर देंगे फिर डन। फिर इसके बाद चलेंगे यहाँ से नीचे वाला टूल में इफेक्ट में। इफेक्ट में जाने के बाद यहाँ पे फोटो की क्लियरिटी बढ़ा देंगे एंड उसके बाद फोटो में विग्नेट डाल देंगे हल्का सा एंड उसके बाद यहाँ पे फीदर को इंक्रीज कर देंगे। फिर जाएंगे नीचे वाला टूल में, फोटो की शार्पनेस बढ़ा देंगे एंड फाइनली हमारी फोटो जो है कम्प्लीट रेडी हो चुकी है।